हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ऑफिसली बेलदारी पे होने वाला है कि हमको काम मिला है कि हम पापा और मेरे एक छोटे भाई हैं, हम तीनों लोग काम पे जाएंगे। काम पे जाने मतलब हम करते हैं काम ऑफिसली, आज मिला है साइड पे, इसीलिए आज का ब्लॉग ऑफिसली बेलदारी पे होने वाला है। तो साइड पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक दिन में हम आखिर क्या क्या काम करते हैं बेलदारी में। सो गाइस, ये रहा हमारा साइड, जिस साइड पे हम काम करेंगे। हम चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं कि हमको इसमें क्या क्या काम मिलने वाला है। ये रहा किचन का साइड, राइट हैंड साइड जो है ये है किचन। इसी में हम स्लेब डालेंगे, स्लेब हालांकि एक दो तीन पड़ेंगे, एक एक दिन में पड़ेगा। और ये रहा पूरा अंदर का व्यू, कुछ इस तरह है। फिर इसके बाद हमें काम मिलता है हथौड़ी चलाने का। हथौड़ी का मतलब जो फर्स्ट वाला स्लेब है उसमें दो साइड तो होल्स हैं लेकिन बाकी एक साइड होल्स नहीं है, तो होल कर लेते हैं पहले। ये पहला काम मिला है हमको, होल्स करके इनमें ख़त्म करते हैं। फिर हमें दूसरा काम कहा गया है मसाला बनाने के लिए। मसाला का मतलब जो रेशियो होता है वो बताया गया, तो मोरंग को पहले भेज दिए हैं। अब बारी है गिट्टी का, तो गिट्टी लाने जा रहे हैं। गिट्टी लेके आते हैं, गिट्टी गेड़ते हैं जितना कहा गया था। वैसे काम करने में तो ये सही है, लेकिन आपको अगर लगातार अगर ये काम मिलता है तो ठीक है, क्योंकि लेबर और मिस्त्री के कामों में यह होता है अक्सर, बड़ा काम मिल गया तो ठीक है, अगर छोटा काम मिलता है तो दो चार दिन लगता है, फिर बंद रहता है, फिर इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या कहीं भी बड़ी साइड मिले, जैसे दो तीन चार फ्लोर हों और उन्हें प्लास्टर या स्टार्टिंग से काम हो न्यू से, तब बहुत काम आसान रहता है। कि मतलब उसमें आप ज़्यादातर जब आप छुट्टी करेंगे तभी, और चलते ही रहता है। तो गिट्टी को हमने फाइनली ला के गेड़ दिया है यहीं पे। अब बारी है सीमेंट का, तो सीमेंट लाने जाते हैं। सीमेंट हालांकि बगल में घर में ही रखे थे मालिक जो है इनके, तो लेके आते हैं, सीमेंट गेड़ते हैं। फिर सीमेंट गेड़ने के बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर साँचा का कितना कम्प्लीट हुआ। यह मैं और मेरा छोटा भाई तो कम्प्लीट करते हैं इसको। और ये रहा साचा, मिट्टी और फट्टे वल्ली से बना हुआ है, देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला स्लेब है जिसपे गैस चूल्हा रख के खाना बनता है। ये जो ईंट से लगाया हुआ है ये है सिंक, जिसमें बर्तन धुला जाता है, उसका जगह छोड़ दिया गया है नाप के। तो ये ख़त्म होने के बाद फिर जो हमने सीमेंट गेड़ के इसमें अच्छे से मिला लेते हैं पहले। मिलाने के बाद इसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने पर अच्छे तरीके मिल जाता है, फिर उसके बाद लेके चलते हैं गेड़ने। तो ये मेरा भाई भर दिया, मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ से दो तीन बार लेके जाता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ जाल उठाना पड़ता है तो जाल उठाता हूँ। अभी मैं लेके जा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको वॉइस डब करके दे रहा हूँ क्योंकि हर जगह कैमरे और इस काम में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप कैमरा और स्टैंड दोनों कैरी नहीं कर सकते। और ये रहा अंदर से व्यू, अंदर का मतलब हालांकि इस समय पे भाई मेरा पानी लाने चला गया तो मैं अकेले ही ला के गेड़ रहा हूँ। वैसे ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा सा बचा है बस, एक दो तगा तागड़ी और माल लगेगा, बाकी ये फाइनल वैसे कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग करना बाकी है बस, और ये कंप्लीट हो गया। वही इस वक्त अंधेरा, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसीलिए उजाला ना होने की वजह से फ्लैश जला के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से बन के। अब इसमें जो प्लास्टर का काम बाकी है, जब प्लास्टर होगा तब दिखाएंगे। और शाम लगभग 5:30 के आसपास काम बंद हुआ है, तो काम ख़त्म होने के बाद ये जो तसला फाड़ुआ और पन्नी से, मैं पहले इनको साफ़ करता हूँ। हमारा नियम होता है कि शाम को सारा काम ख़त्म होगा, जैसे हम खाने के बाद थाली धुलते हैं, साफ़ करके रखते हैं, वैसे भी काम होने के बाद इन सबको रीयूज़ होने के लिए फिर अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट और मसाले का इतना कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एक ही दिन रख दें तो इसमें पूरा चिपक जाता है। इसे धुल के हम रख देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।